थर्ड प्रॉपर्टी इज सेम एज एडिशन एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन इंटीजर्स को यूज करते हैं लेट ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स ठीक है ए बी एंड सी आर थ्री इंटीजर्स देन स्टेटमेंट क्या है ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी कोई चेंजेस नहीं हुआ है सिर्फ ब्रैकेट यूज हुआ है ओके अगर स्टार्टिंग में ही देखिए आप क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था ए और बी इंटीजर है ठीक है तो किसी के साथ भी प्रोडक्ट करो तीन इंटीजर्स लो चार लो पांच लो दस नंबर लो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा इंटीजर तो होगा ही होगा सो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट में या कहें कि जो स्टेटमेंट गिवन है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू आती है वो एक इंटीजर तो होगी लेकिन आपको चेक क्या करना है इन द गिवन स्टेटमेंट कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है या नहीं ठीक है सो क्या करना है पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई देन दिस यहां पर बी और सी का मल्टीप्लाई देन ए ओके सो लेट ए ले लीजिए 7 बी इज 2 एंड सी इज -4 ठीक है मैंने अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले ली आप भी अपने हिसाब से कोई भी रैंडमली वैल्यू ले सकते हैं देन अप्लाई कीजिए यहाँ पर ए ब्रैकेट ओपन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट ओपन 2 इंटू -4 ओके पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करो 7 इंटू 2 14 इंटू -4 इक्वल टू 7 इंटू पीछे वाला ब्रैकेट b इंटू सी वाला 2 इंटू -4 माइनस का 8 नाउ 14 इंटू 4 कितना हो गया ये 56 माइनस का देखो यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई क्या होता है एक नेगेटिव मतलब कि -1 टाइम है तो प्रोडक्ट क्या आएगा नेगेटिव अगर -2 टाइम होता तो प्रोडक्ट क्या हो जाता पॉजिटिव तो यहाँ पर 1 टाइम नेगेटिव है एक इंटीजर है वो नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आ गया एक नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू यहाँ पर भी 7 × 8 -56 सो LHS इज इक्वल टू RHS आपका LHS है वो RHS के इक्वल है सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के केस में एग्जिस्ट करती है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे ओके श्रेया आर यू देयर मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है श्रेया प्रीत आर यू देयर आशय समझ में आया प्रीत समझ में आया मैं मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ रही आप मुझे ऐसे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना या रेज योर हैंड कर देना ओके वेन एवर आई आस्क यू समझ में आया तो रेज योर हैंड आई थिंक मेरी फोन में कुछ इशू हो रहा है डोंट नो फोर्थ प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव
DISTRIBUTIVE, ठीक है। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहती है ए इंटू बी प्लस सी। आई राइट ए इंटू ब्रैकेट में है बी प्लस सी, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस ब्रैकेट को ओपन करो, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब मल्टीप्लाई करो, लाइक ऐसा, ठीक है। ए डॉट, अगर आपको ऐसा फॉर्म गिवन हो, कहने का मतलब है कि ए का मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन गिवन है, आगे गिवन नहीं होगा, ओके। सो यू अज्यूम एवरी टाइम अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे गिवन हो, एनी वन, ब्रैकेट के बाहर कोई भी वैल्यू है और उसके बीच ना तो प्लस है ना माइनस है ना डिवाइड है, सो आपको अज्यूम करके चलना है या फिर आप मान के चलो कि ए का इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी पहला हो जाएगा a into b, फिर सिंबल क्या है यहाँ पे, प्लस a into c, ठीक है। सीधा सा मैंने a का मल्टीप्लाई किया है इस ब्रैकेट के साथ, पहला a into b, फिर प्लस का साइन है तो प्लस a into c, ठीक है। ये समझ में आया, रेज योर हैंड, ये चीज समझ में आई। देखो हम प्रूव करके देखेंगे कि ये सही है या नहीं, ठीक है। लेट ए इज माइनस एट, बी इज सिक्स एंड सी इज थ्री, ठीक है। वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, एलएचएस में रखेंगे वैल्यू ए, ए की जगह एट इंटू ब्रैकेट में बी की जगह सिक्स प्लस सी की जगह थ्री। ए की वैल्यू माइनस एट इंटू बी प्लस ब्रैकेट में सिक्स प्लस थ्री इक्वल टू आरएचएस में देखो ए इंटू बी, ए की वैल्यू माइनस एट इंटू बी की वैल्यू सिक्स, प्लस का साइन है तो प्लस ए इंटू सी, ए की वैल्यू माइनस एट इंटू सी की वैल्यू थ्री। इज दैट ओके? कुछ नहीं किया है, दोनों जगह सी वैल्यू रखी है, ओके। इस स्टेटमेंट में दोनों जगह मैंने वैल्यूज रखी है। नाउ सॉल्व इट, माइनस एट इंटू पहले ये वाला ब्रैकेट सिक्स प्लस थ्री नाइन इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस एट इंटू सिक्स माइनस का फोर्टी एट, प्लस साइन है तो प्लस यहाँ आ गया, माइनस एट इंटू थ्री माइनस ट्वेंटी फोर, ओके मल्टीप्लाई किया। नाउ माइनस एट इंटू नाइन माइनस सेवेंटी टू इज इक्वल टू माइनस का फोर्टी एट, नाउ ओपन द ब्रैकेट, माइनस फोर्टी एट प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी फोर, ओके ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ पे तो है सेवेंटी टू इज इक्वल टू माइनस का 48 माइनस का 24 कितना हो गया, माइनस का 72, दोनों को ऐड कर दिया, वैल्यू नेगेटिव है। सो आपका एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है, सो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ओनली मल्टीप्लिकेशन में ही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हुआ, बांटना,
ठीक है डिस्ट्रीब्यूट करना, हम बोलते हैं ना कि ये 4 apples ले लो और 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या मतलब हुआ, चारों एप्पल को 4 बच्चों के बीच में बांट दो। तो आपने क्या किया, 1 1 1 सबको दे दिया, ठीक है। 3 apples हैं और 2 बच्चे हैं तो क्या करोगे आप, 1.5 1.5 दोनों बच्चों को दे दिया। सो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ कि बांटना। अब बांटने का मतलब कैसे हुआ, देखो a इंटू बी प्लस सी, मैंने ब्रेक कर दिया इस चीज़ को, ब्रेक कर दिया कैसे, पहले मैंने a इंटू बी कर दिया फिर प्लस करके a इंटू सी कर दिया, दो भाग कर दिए मैंने इसके अलग अलग, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके सो चीज़ समझ में आई, अगर ये याद रह गया तो सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा, सिर्फ वैल्यूज रखनी है। बट ध्यान आपको रखना है कि प्लस माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटीजर है या प्लस इंटीजर है। सो इज दैट इज ओके, सबको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, स्पेशली पावन एंड श्रेया। श्रेया आई कांट हियर यू, प्लीज रेज योर हैंड। श्रेया समझ में आया, अब दिख रहा है, नाउ इट इज क्लियर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट में वापस लॉग इन कर रही हूं, एक मिनट। हाँ Now tell me my screen is visible. But I can't hear you. What is the problem? Just give me 2 minutes. मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। ओके जो भी आपका इशू है, डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, चैट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंसी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके कल हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, आज है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो कल एडिशन वाले में यहाँ लिख देती हूँ, आपको इजी होगा समझने के लिए। हमने कल लिखा था a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस a विच गिव्स a। ठीक है, कल हमने पढ़ा था a प्लस जीरो मतलब कि जीरो को मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड करूँ तो वही नंबर हमें क्या मिलता है, वापिस मिलता है। आज में हम देखेंगे कि मैं a इंटू वन, वन इंटू ए विच गिव्स ए। मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर हमें वापस मिलता है। ठीक है, एडिशन के केस में क्या था, 0 को ऐड करने पर वही नंबर वापस मिलता है। मल्टीप्लीकेशन के केस में आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर हमें वापस मिलता है। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ
ए, ठीक है। सो हमने कल लिखा था जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, आज हो जाएगा वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। जीरो की जगह अब क्या हो गया वन। कैसे? मान लीजिए ए की वैल्यू माइनस सिक्स है, ठीक है। ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एक नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। मैंने ए की वैल्यू एक नेगेटिव इंटीजर ले ली। अब यहाँ पे रखो माइनस सिक्स इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू माइनस सिक्स, क्या आ जाएगा माइनस का सिक्स, ठीक है। माइनस सिक्स को मैंने वन से मल्टीप्लाई किया, मुझे वापस माइनस सिक्स मिला। सो वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ सिक्स माइनस सिक्स। तो आप क्या लिखोगे, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ माइनस सिक्स। माइनस का एट होता तो क्या बोलते आप, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ माइनस ए। सेवनटीन होता पॉजिटिव इंटीजर होता तो वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ सेवनटीन। सो एनी नंबर वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। इज दैट क्लियर? पावन श्रेया इज दैट क्लियर? आपके लिए मैं वापस पढ़ा रही हूं, मैंने पहले पढ़ा दिया है। श्रेया रेज योर हैंड अगर आपको समझ में, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा आपको समझ में आया, आपको कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। श्रेया राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट। श्रेया इफ यू हैव नो डाउट देन सेंड मी नो डाउट। क्या समझू मैं नौ मैम का मतलब, समझ में आया कि नहीं आया? क्या नहीं आया, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं आई? ये वाली, वेरी सिंपल श्रेया, ये तो बहुत ही इजी है। मैं कह रही हूं कि किसी भी नंबर को आप वन से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लिकेशन आता है ना, किसी भी नंबर को आप वन से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर हमें वापस मिलता है, वही तो लिखा है मैंने। ए को आप वन से मल्टीप्लाई करो, ए क्या है, कोई भी नंबर, वो नंबर या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। तो किसी भी नंबर को आप वन से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर हमें वापस मिलता है। इसलिए वन, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। मतलब कि मैं आइडेंटिटी निकालना चाह रही हूँ ए की, ए की आइडेंटिटी क्या होगी मल्टीप्लिकेशन के केस में, वन। सीधी सी बात है, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। अब ए कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ ए की वैल्यू माइनस सिक्स ली है, आप ए की वैल्यू कुछ भी लो, अपने हिसाब से ले लो ना, 25 ले लो, 76 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 923 ले लो, एनी नंबर, किसी भी नंबर को आप वन से मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर आपको वापस मिलता है। इसलिए हम कहते हैं ये प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको याद रखनी है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। देखो ये तो चीज आपको पता ही थी कि किसी भी नंबर को आप वन से मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर हमें वापस मिलता है, ये तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, लेकिन उसको प्रॉपर्टीज में कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी यहाँ गिवन है, ठीक है। इंटीजर के केस में प्रॉपर्टीज ये बनाई गई है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। जैसे कल एडिशन के केस में मैंने पांच प्रॉपर्टीज बताई थी, आज मल्टीप्लीकेशन के केस में मैं प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, तो ये आपको याद रखनी है। नाउ इट इज क्लियर श्रेया? ओके, द फिफ्थ सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज, कल हमने पढ़ा था मल्टीप्लीकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, आज हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, आज हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या हुआ, कल ही बताया था मैंने, कल मैंने बताया था इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। जैसे कि कल हमने ए लिया था तो उसका अपोजिट क्या हो गया,
माइनस ए। आज हम लेंगे अगर ए कोई इंटीजर है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ इनवर्स के केस में हमें वैल्यू क्या लानी है, वन। ठीक है, हमें वैल्यू क्या लानी है, वन। जैसे कल हम लाए थे जीरो, इन केस ऑफ एडिशन हम जीरो लेके चल रहे हैं, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन हम वन लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्यों लेके चल रहे हैं ये भी मैंने क्लियर किया है। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, एडिशन मैं यहाँ कंपैरिजन अभी करूँगी, ये करने के बाद मैं एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों की प्रॉपर्टीज लिखूंगी, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि एडिशन के केस में ज़ीरो क्यों लिया, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करो कोई फ़र्क नहीं होता। और मल्टीप्लीकेशन के केस में वन क्यों लिया, क्योंकि वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं होता। दैट्स वाई वी यूज़ ज़ीरो इन केस ऑफ एडिशन एंड वन इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ए का इनवर्स वन अपॉन ए होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। ठीक है, इसका इनवर्स करेंगे, ए का इनवर्स वन अपॉन ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। कैसे, ए ले लो 76, तो इसका इनवर्स इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए, विच गिव्स वन अपॉन 76। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, ए इंटू वन अपॉन ए क्या हो जाएगा, 76 इंटू वन अपॉन 76 क्या आ जाएगा, वन। ये तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई, वन। ठीक है, समझ में आया ये, पावन एंड श्रेया समझ में आया, श्रेया प्लीज रेज योर हैंड, आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे हमेशा पावन और प्रीत का आंसर क्लियर समझ में आता है, बट आई कांट गेट यू कि आप कहना क्या चाह रही है, या तो यस या नो। ओके, इनवर्स का मतलब हुआ ए आपकी कोई भी वैल्यू है, मुझे वन चाहिए। कहने का मतलब आप ये समझो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए तो ए का इनवर्स क्या हो गया, वन। आप कंफ्यूज मत हो जाओ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। एडिशन में आपको अलग प्रॉपर्टी वो याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में अलग प्रॉपर्टी वो याद रखनी है। ठीक है, तो अगर ए आपका कोई इंटीजर है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए। आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है मल्टीप्लीकेशन के केस में, ए आपका कोई इंटीजर है तो वन अपॉन ए क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, वन। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ए की वैल्यू 6 ले लूं तो वन अपॉन ए क्या हो जाएगा, 1/6। ये तो समझ में आया ना, ए की वैल्यू मैंने 6 ले ली, उसका इनवर्स क्या हो गया, 1/a, तो 1/a की वैल्यू 6। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 1/6 क्या आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 1 आया कि नहीं आया, ये चीज समझ में आई। सो तो वही तो मैं समझा रही हूँ, मैंने यहाँ ए की वैल्यू 76 ले ली तो 1/a क्या हो जाएगा, 1/76। दोनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आ गई वैल्यू, 1। सो 1 इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेटमेंट, सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स ऑफ, सॉरी, 1/a, सॉरी यहां पे लिखना 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, 1/a, क्योंकि 1/a को जब a के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 1। इसलिए यहां पे कहा गया है कि 1/a को a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहते हैं।
आप ये जो लिखते हैं ना उस पर भी फोकस किया कीजिए, तो चीजें जल्दी से क्लियर हो जाएंगी. सो वन अपॉन ए इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए. ठीक है, ए का इनवर्स वन अपॉन ए था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट वन आया, इसलिए हमने वन अपॉन ए को इनवर्स कहा है ए का, ये कहना चाह रहा है. इज दैट क्लियर श्रेया? इज दैट क्लियर? यस. What are you saying, Shreya? क्या हुआ? करने के लिए दैट इज द लास्ट टाइम आई क्लियर ऑल द थिंग. ओके, दैट इज एडिशन एंड दैट इज मल्टीप्लीकेशन. ओके, मैं दोनों प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर रही हूं. ठीक है, फर्स्ट द क्लोजर. मैं प्रॉपर्टीज के नेम नहीं लिख रही हूं, आप खुद लिखना. ठीक है, आपको खुद को लिखना है, मैं नहीं लिख रही हूं. फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर. ए प्लस बी इज इंटीजर, और यहां पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी ए इंटू बी इज इंटीजर. सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव. ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होता है, और यहां पर हो जाएगा A into B, B into A के इक्वल होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड, मैंने सारी लिखवाई है, ठीक है, मैं सिर्फ 1, 2, 3 लिख रही हूँ. थर्ड इज एसोसिएटिव. थर्ड इज एसोसिएटिव. A into B, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू B into C. ठीक है, यही थी तीसरी प्रॉपर्टी. आप देखना मैंने लिखवाई है, अगर आपने लिखी होगी तो आपको ध्यान रहेगा. फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिशन में नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे होती है मल्टीप्लीकेशन के केस में है A into B plus C which gives A into B plus A into C. अभी मैंने करवाई. ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंसी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. A प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस A विच गिव्स A. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में अभी पढ़ा था A into वन, 1 into A which gives A. यहाँ पर 0 को ऐड करेंगे A के साथ तो A मिल रहा है, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A मिल रहा है. ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी इनवर्स. यहाँ पे इनवर्स था A प्लस माइनस A विच गिव्स 0. 0 is called additive in minus A is called additive inverse of A in case of addition. तो यहाँ पे क्या था, A into 1 upon A which gives 1. So 1 upon A is called additive inverse of A.
ये छः के छः प्रॉपर्टीज मैंने अभी लिखी हैं यहाँ पर।